कोलकाता से हार के बाद चेन्नई के कप्तान धोनी ने मानी अपनी गलती। धोनी ने मैच के बाद अपने इस फैसले को बताया हार का जिम्मेदार। केकेआर से मिली हार के बाद धोनी ने दिखाया बड़ा दिल, सब कर रहे तारीफ। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घरेलू मैदान पर खेले गए आईपीएल 2023 के मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में सीजन के 61वें मैच में चेन्नई ने 6 विकेट पर 144 रन बनाए, जिसके बाद कोलकाता ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। हार के बाद धोनी ने इसकी बड़ी वजह पर चर्चा की। सीएसके के कप्तान धोनी ने कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भारी पड़ गया। जिस मिनट हमने दूसरी पारी में पहली गेंद फेंकी, हमें पता था कि हमें 180 रनों की जरूरत थी। उस पिच पर हम 180 रन नहीं बना पाए। दूसरी पारी में उसने बड़ा अंतर पैदा कर दिया। हम वास्तव में अपने किसी भी गेंदबाज को दोष नहीं दे सकते, बस परिस्थितियों का खेल पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। शिवम ने आज के मैच में जो किया उससे बहुत खुश हूँ। महत्वपूर्ण ये है कि वह संतुष्ट नहीं रहते और सुधार करते रहते हैं। 4 गेंद को स्विंग कराते हैं, वह उसी के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। आपको बता दें, 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पेसर दीपक चाहर ने पावर प्ले में 3 विकेट ले लिए। उन्होंने पहले ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को 1 रन पर, तीसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर को 9 रन पर और पांचवें ओवर में जैसन राय को 12 रन पर पवेलियन भेज दिया, जिससे केकेआर का स्कोर 3 विकेट पर 33 रन हो गया। इसके बाद कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह मैदान पर उतरे और दोनों क्रीज पर जम गए। दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए 99 रनों की पार्टनरशिप की। नीतीश ने विजयी चौका जड़ा, जो 44 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर नाबाद लौटी। रिंकू सिंह ने 43 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि टीम 6 विकेट पर 144 रन ही बना पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई की आधी टीम को 72 के स्कोर तक पवेलियन भेज दिया। भला हो शिवम दुबे का, जो नाबाद 48 रन की पारी खेली, और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने 20 रन बनाए और 6th विकेट के लिए इन दोनों ने 68 रनों की साझेदारी की। दुबे 34 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर नाबाद लौटे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।